सलमान खान की टाइगर 3 या फिर शाहरुख खान की पठान, दो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज रिलीज हुई इस साल और दोनों ही ब्लॉकबस्टर हैं, लेकिन फैंस के बीच में लड़ाई सी छिड़ गई है कि कौन बेटर है और किसकी मूवी ज्यादा अच्छी थी। और दोनों ही मूवी में पठान और टाइगर एक दूसरे को बचाने का काम भी करते हैं, लेकिन शाहरुख के फैंस का कहना है कि पठान की वजह से टाइगर 3 हिट हुई, और वहीं पे सलमान के फैंस का कहना है कि टाइगर की वजह से पठान मूवी हिट हुई और एसआरके का कैरियर बचा। लेकिन फैक्ट यह है कि दोनों ने ही टाइम टू टाइम एक दूसरे की मूवी में कैमियो या फिर एक्सटेंडेड कैमियो किया हुआ है, जिसकी भी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। और पठान और टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी मूवी ने ज्यादा पैसे कमाए सेम दिनों पर, और क्या टाइगर 3 पठान का कलेक्शन बीट कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द बॉक्स ऑफिस एनालिसिस ऑफ टाइगर 3। तो टाइगर 3 मूवी रिलीज हुई थी दिवाली के दिन, जिसे वर्स्ट डे टू रिलीज अ मूवी बोला जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स दिवाली के दिन लोग पूजन करेंगे और फटाके फोड़ेंगे, तो फिर मूवी देखने जाएगा कौन? हम जैसे रिव्यूअर्स। लेकिन उसके बावजूद भी सलमान खान की स्टार पावर की वजह से टाइगर 3 ने 44.5 करोड़ रुपए नेट कमा लिए, जिसकी वजह से उन्होंने उनका ये हाईएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कि 40 करोड़ था भारत मूवी के लिए। सेकंड डे मंडे था, दिवाली की हॉलीडे थी बहुत लोगों की, और इसलिए इस फिल्म का कलेक्शन डायरेक्टली 44 करोड़ से 59 करोड़ तक चला गया। और क्योंकि शाहरुख खान और ऋतिक रोशन दोनों का ही इस मूवी में कैमियो है, उसकी माउथ पब्लिसिटी की वजह से बहुत लोग इस फिल्म को देखने के लिए गए। अब वीकेंड तो थे नहीं और अगला दिन था ट्यूसडे, लेकिन उस दिन भी सलमान खान की टाइगर 3 ने बहुत अच्छा होल्ड दिखाया और 43.5 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन फिर आया वेनसडे, इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच, जिसमें बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे और इवन इस मैच की व्यूअरशिप भी रिकॉर्ड हाई थी, और इसलिए कलेक्शन उम्मीद से भी नीचे गिर गया और इसने डे 4 को सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ रुपए की कमाई की। अब कंपैरिजन के लिए पठान और टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना है तो पठान ने पहले दिन कमाए थे 57 करोड़, जो कि वेनसडे था, और थर्सडे को 70.5 करोड़, फ्राइडे को 39.25 करोड़, सैटरडे को 53.25 करोड़ और संडे को सीधे 60.75 करोड़। यानी कि हर दिन का कलेक्शन टाइगर 3 के कंपैरिजन में ज्यादा ही था। और टाइगर 3 के लिए चीजें आगे अच्छी लग भी नहीं रही है, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल आने वाला है और दूसरा ये है कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से जहां पर मुंबई में इसके 36 शोज लगे हुए हैं, वहां पर इसकी ऑक्यूपेंसी सिर्फ और सिर्फ 18% की है। इसलिए यहां पर ये बोलना फेयर होगा कि पठान टाइगर 3 को बहुत पीछे छोड़ देती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। अब आ जाते हैं कैमियोस पर, किसका कैमियो ज्यादा अच्छा था, पठान का टाइगर 3 में या फिर टाइगर का पठान में? देखो, मेरे ओपिनियन में टाइगर का एंट्री वाला सीन पठान मूवी में काफी बेटर था, जब वो ट्रेन से स्कार्फ लटकाते हैं ना, कंपेयर टू पठान जिसमें वो सिर्फ एक बॉल फेंकते हैं और फिर उसमें से एक गाना बजता है। आई थिंक टाइगर्स कैमियो वाज मच बेटर इन पठान। अब सलमान खान ने कई बार शाहरुख खान की मूवीज में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है एंड वाइस वर्सा, जैसे कि जीरो, जिसमें इशकबाजी सॉन्ग में सलमान खान आते हैं ठुमके लगाने के लिए शाहरुख खान के साथ, लेकिन फिल्म फ्लॉप थी। उसके बाद सलमान खान की मूवी ट्यूबलाइट में शाहरुख खान का कैमियो था, जिसमें वो गोगो पाशा मैजिशियन बने हुए थे और वो फिल्म भी फ्लॉप थी। फिर एसआरके की मूवी ओम शांति ओम में सलमान खान का कैमियो था दीवानगी सॉन्ग में, जो कि फिल्म हिट थी। फिर हर दिल जो प्यार करेगा में शाहरुख खान का कैमियो था, जिसमें सलमान खान और प्रीति जिंटा लीड रोल्स में थे। और उसके बाद कुछ कुछ होता है जो कि सबने देखी होगी, जिसमें सलमान खान का एक्सटेंडेड कैमियो था। यही कुछ मूवीज हैं जिसमें दोनों ने एक दूसरे की मूवीज में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, जिसमें से कुछ हिट रही और कुछ फ्लॉप। लेकिन क्या टाइगर 3 पठान का कलेक्शन तोड़ सकती है? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और तब तक के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन किया हुआ है। और देखते रहिए सुपरनेस्ट।